आर न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। गोकलगढ़ में है जहाँ ये प्रतियोगिता चल रही है। तमाम गांव के ग्रामीण हैं, जैसा भी हमें बताया गया कि यहाँ बुजुर्गों की ओर से एक संगठन बनाया गया है, वो हर साल इस तरीके के प्रतियोगिता कराते हैं। और आपको बार बार एचआर न्यूज ये बता रहा है कि ग्रामीण आंचल जो होता है वो कहीं ना कहीं खेलों के लिए जाना जाता है, और गांव में आज भी कहीं ना कहीं खेलों को जिंदा रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता करवाई जाती है। यही एक वजह है आज गोकलगढ़ में, जो यानी कि बाईपास पर है और रेवाड़ी से महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, उस गांव में हम हैं और आज यहाँ विभिन्न प्रतियोगिता करवाई जा रही है। तमाम ये देख सकते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी इन खेलों का आनंद ले रहे हैं। और अभी यहाँ चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से विधायक है, उनका यहाँ इंतजार किया जा रहा है, वो आकर के खेलों का शुभारंभ करेंगे। और हालांकि बहुत सारी प्रतियोगिता इन्होंने करवा भी ली है, अभी और भी प्रतियोगिताएं होंगी, खेल होंगे, दौड़ होगी, मटका रेस होगी, तमाम तरीके की। और ये कहीं ना कहीं एक लोक लुभावन कह सकते हैं, रोमांचक दृश्य गांव में देखा जाता है किस तरीके से ग्रामीण में प्यार और एकता और भाईचारे की मिसाल गांव से हमेशा निकलती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके के लोगों का मान सम्मान और प्यार किया जाता है, एकता के तरीके से ये पूरी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। एचआर न्यूज आपको बारी बारी आज दिखाएगा किस तरीके से यह प्रतियोगिता करवाई जा रही है। और अपने आप में यानी कि जो बुजुर्ग है वो करवा रहे हैं, बुजुर्ग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं दौड़ के अंदर, रेस में। और बारी बारी सबसे एक बार बात करते हैं, क्या इनका कहना है किस तरीके से प्रतियोगिता होगी, जरा एक बार अपने शुभ नेम एक बार बताइए अपना। रणवीर सिंह यादव। रणवीर जी, क्या क्या होता है, कब से ये प्रतियोगिता आप लोग करवा रहे हैं? 4 साल से स्टार्ट। 4 साल से करवा रहे हैं। आज क्या क्या होगा इस प्रतियोगिता में? रेस, बच्चों की रेस है, बड़ों की रेस है, लेडीज का मटका रेस है, रसाकसाई है बुजुर्गों की। हमारा मेन मकसद है बुजुर्गों का इसमें हिस्सा लेने का, जिससे जवानों को थोड़ी नसीहत मिले, नसीहत मिले बुजुर्गों को और थोड़ा सा जवानों को भी नसीहत मिले। और थोड़ा सा ये थे कि विधायक जी भी यहाँ, चिरंजीव राव जी आ चुके हैं और माला पहना करके उनका जो है स्वागत यहाँ किया जा रहा है। तो जाहिर है मुख्य अतिथि का लंबा इंतजार था। रेवाड़ी से विधायक है चिरंजीव राव, जो इस बार रेवाड़ी से विधायक बने हैं। और लगातार आपने देखा होगा इस वक्त विधानसभा में रेवाड़ी के जो लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं, सत्र के जो चला हुआ था बजट सत्र, उसमें लगातार रेवाड़ी की एक के बाद एक इन्होंने मांगे उठाई, चाहे एम्स की हो, चाहे नसेबे हो, चाहे विभिन्न प्रकार की हो। तो यह इनको मुख्य अतिथि बनाया गया। और आपको यह साथ में ये भी बता दें कि विधायक जी का ये शायद ननिहाल भी है यहाँ, और इनको यहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया, गौरव की बात है उनके लिए कि उनके ननिहाल में ही वो मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। बड़े बुजुर्ग यहाँ तमाम लोग हैं। आप क्या कहेंगे, जो ये आयोजन हो रहा है क्या क्या इसमें होगा? आज इस इवेंट में 12 इवेंट्स हैं, जो चम्मच रेस महिलाओं की और मटका रेस और 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 1600 मीटर रेस, युवाओं की, बच्चों की, 11 साल से नीचे वालों की। और हमारा यही प्रेरणा है कि बुजुर्गों को देखते हुए, ताकि नौजवानों को हर चीज से प्रेरित करें हम, और इनको आकर्षित करें, गंदी आदतों से उनका छुटकारा पाएं और उनका मनोबल बढ़े। तो देखिए, जिस तरीके से युवा कहीं ना कहीं मोबाइल के चक्कर में भटक गया है आज, जिस तरीके से टीवी और मोबाइल ने कहीं ना कहीं युवाओं को नए चीजों में धकेल दिया है, और हमारी जो संस्कृति है, जो पुरानी जो खेलों की परंपरा है, वो कहीं ना कहीं जिंदा रह सके, उसको लेकर के गोकलगढ़ में जो एक पहल की जा रही है लगातार 4-5 सालों से। आपको दिखाई ये देखिए, ये वहाँ वो पूरा मंच स्टेज लगा हुआ है और यही ये मैदान है जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही है।
तो पूरा गांव आज कहीं ना कहीं उमड़ा हुआ है। साथ ही में आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिताओं का आनंद लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये वो युवा है जिन्होंने अभी दौड़ के अंदर हिस्सा लिया है। बता दें आपको बाईपास पे दौड़ हुई है। कहीं ना कहीं ये अपनी जो है नौकरी को लेकर के भी फोर्स में जाना है या सेना में कहीं जाना है, उनकी भी तैयारी में ग्रामीण क्षेत्र से लोग लगे रहते हैं। और अहिरवाल हमारा वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा देश की सेना के अंदर लोग हैं। और ये युवा एक बार सीधा इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आज प्रतियोगिता में क्या क्या किया आप लोगों ने? मैंने नहीं किया, इसने किया। आपने किया, हिस्सा लिया आपने? कितने मीटर की दौड़ में? 1600 मीटर। तो क्या आप और भी आगे नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए? तो दिन भर मेहनत करते हैं आप लोग? यस सर, सुबह शाम। तो देखिए ये युवा है और यही एक चीज दिखाती है कि कहीं ना कहीं संस्कृति को जिंदा रखा जाए, खेलों को जिंदा रखा जाए, उसको लेकर के ये युवा है गांव के जो लगे हुए हैं। और अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बहुत ही रोमांचक दृश्य है जो युवा है वो आज मोबाइल को छोड़े और कहीं ना कहीं जो परंपरागत खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी निभाए। हर जगह टोली बनी हुई है युवाओं की, क्या कहेंगे, खेलों को जिंदा रखने की एक कोशिश है ये। बिल्कुल जी, आज मोबाइल ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को बिगाड़ दिया है, जो बुजुर्ग आपके आयोजन करते हैं, क्या संदेश इससे मिलता है आप लोगों को? मोबाइल है वो दोनों चीज के लिए यूज होता, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन वो हमारी थिंकिंग है कि उसका यूज कैसे करें। तो परंपरागत जो खेल है आपके वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिंदा है आज भी? जिंदा है। तो देखिए ये युवा चेहरा है और जाहिर है कहीं ना कहीं इन चीजों को करना जरूरी है। अब हम आपको वहाँ मंच पे ले चलते हैं जहाँ इस तरीके के आयोजन किए जाए। शुभारंभ हो चुका है और यहाँ चिरंजी राव जो विधायक है रेवाड़ी से, वो अब इसकी शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। महिलाएं तैयार हो गई है मटका रेस में हिस्सा लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं तमाम चारों तरफ से मैदान के अंदर किस तरीके से महिलाएं जो है सर पे मटका रख करके अब दौड़ेंगी और विधायक जो है वो अब यहाँ से इसका शुभारंभ कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से चिरंजी राव जी विधायक जो है वहाँ खड़े हैं और अब इसका शुभारंभ वहां से ये करेंगे। देखिए ये शुरुआत हो गई है और आपको बता दें महिला दिवस है, महिला दिवस पर इस तरीके की प्रतियोगिता, ये देखिए मटका, ये देखिए किस तरीके से वहां पे आयोजन, ये देखिए महिलाएं यहां से भगी है और ये चीज आपको दिखाएं। महिला दिवस भी है, ग्रामीण महिलाएं हैं, महिलाएं भी खेलों में हिस्सा ले रही हैं। ये गांव की महिलाएं हैं, आप हाथों में मटका देख सकते हैं, मटका रेस में ये महिलाएं हिस्सा ले, तो आप देख सकते हैं यहाँ विधायक चिरंजी राव का स्वागत किया जा रहा है और माला पहना करके मंच पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ स्वागत में लगे हुए हैं। और अब शुभारंभ खेल का होगा। तमाम ये ग्रामीण हैं जो यहाँ मंच पर है। मुख्य अतिथि महोदय, सबसे पहले तो आप सभी को मैं अपनी ओर से होली की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि जी ने कहा कि भाई आज महिला दिवस भी है, महिला दिवस की आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज हमारा जो देश प्रगति कर रहा है या हमारा समाज प्रगति कर रहा है वो हमारी माँ बेटियों की वजह से ही कर पा रहा है। क्योंकि अच्छा अगर भविष्य हमारे नौजवानों का है तो विशेष रूप से आप सबको शुभकामनाएं।
मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अपने खुद के ननियाल के अंदर मुझे आप लोगों ने आज यहाँ पर अपने भांजे को बुलाया है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी ने ये जो खेलों का कार्यक्रम आज गाँव में किया है, मुझे लगता है कि एक बहुत शुभ दिन भी आप लोगों ने, क्योंकि कल होली है और उससे पहले आपने इस दिन पे ये कार्यक्रम यहाँ पर करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी कार्यक्रम किया है। जैसे कि मामा जी ने बताया कि भाई इससे भाईचारा तो हमारा बढ़ता ही है, पर विशेष रूप से जो है शारीरिक इसके अंदर हमारी और मानसिक रूप से हमारा विस्तार भी होता है। तो बहुत अच्छी सोच यहाँ पर आप लोगों ने रखी है। मैं अपनी ओर से सभी ग्रामवासियों को और जो ये कमेटी यहाँ पर है, अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी ओर से इस कमेटी को 11,000 रुपए का विशेष योगदान। आप सब लोगों ने मान सम्मान किया इसके लिए पूरे गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये पगड़ी पहनाई दादाजी स्वर्गीय राव बैसिंह जो रेवाड़ी से प्रथम विधायक रहे, वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं। और आप लोगों ने जो ये पगड़ी पहनाई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी के ऊपर कभी को यहाँ की आने दूंगा। चार पांच महीने से जब से मैं विधायक बना हूँ, आपने भी देखा होगा कि आपकी आवाज को कहीं भी, चाहे हम विपक्ष में हैं, पर हमने कहीं भी दबने नहीं दिया। और अगले 5 साल जब तक मैं विधायक रहूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी तरह से आपकी आवाज को उठाते रहेंगे। कौन ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, क्या है पूरा आयोजन, थोड़ा सा बताएंगे जी? हर साल की तरह इस बार भी हमारे होली उत्सव जो हो रहे हैं, कृपा करके भोराजी सुने, 3 साल से हम ये करवा रहे हैं। इस बार हमारे श्री चिरंजीव राव जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनके सामने गेम वगैरह करवाए जा रहे हैं। कौन सी संस्था, क्या है संस्था का नाम वगैरह? हमारे बुजुर्ग हैं जो पिछले 3-4 सालों से लगातार करा रहे हैं, अभी उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई है, बाकी वो लगे हुए हैं इस काम के लिए। अच्छा, कौन से गांव की ओर से है ये? गांव गोकलगढ़ की तरफ से है जी। गांव गोकलगढ़ की तरफ से? हाँ जी। वो तमाम ग्रामीण मिलकर करवाते हैं इसको? पूरे ग्रामीण मिलकर कराते हैं जी, पूरे ग्राम पंचायत को। हर साल करवाते हैं? हर साल करवाते हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं इसमें? हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं 60 साल के लिए, उनके लिए दौड़ है, जो महिला है उनके लिए मटका रेस है, चम्मच रेस है, जो बच्चे हैं 11 वर्ष से ऊपर 6 साल के लिए, उनके लड़के देवेंद्र बोहरा जी टेंट के पास आए। अच्छा, और देवेंद्र बोहरा जी टेंट के पास आए। इसमें इनाम का कैसे रखा है आप लोगों ने? इनाम के लिए जो पहला इनाम है वो 1100 रुपए का है, दूसरा इनाम है वो 700 रुपए का है, और जो तीसरा इनाम घोषित किया गया है वो 500 रुपए का है। इनके अलावा हम मोमेंटो भी उनको दे। पर्व कल है, तो उसी के उपलक्ष्य के अंदर आज हमारे सभी ग्रामवासियों ने मिलकर आज ये प्रतियोगिता यहाँ पर कराई है। और मुझे लगता है बहुत अच्छी इन्होंने आज यहाँ पर शुरुआत की है। खेल प्रतियोगिता तो यहाँ पर की है, महिला दिवस के ऊपर महिलाओं की ही जो मटका रेस करवाई है, मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर करी है। हमारे बुजुर्गों की भी यहाँ रस्सा कसी का कार्यक्रम यहाँ पर है, तो मुझे लगता है एक मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रगति करने के लिए समाज के लिए बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई। एक बजट सत्र चल रहा है, पिछले कई दिनों से आप जो है विधानसभा में लगातार यहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आपने उठाए हैं? बड़ी चर्चा है आपको लेकर के ये युवा विधायक है, इस टाइम ताबड़तोड़ अपने इलाके की मांग उठा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के, क्या क्या मांग आपने उठाई? देखिए, हमने कई मांगे वहाँ पर उठाई। एक सबसे बड़ी प्रमुखता मांग तो हमारी यही है कि मरेठी के अंदर हमारा जो एम्स है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, मुख्यमंत्री ने भी उसकी करी,
उसको बनाया जाए। एक माजरा सुराज गांव के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हुई थी, उसके ऊपर भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया, वो भी ठंडे बस्ते के अंदर है। हमारे सिविल हॉस्पिटल के हालात बहुत खराब है, उसके लिए मैंने मांग रखी कि उसके लिए भी विशेष हमें बजट में जगह रखनी चाहिए थी। उसके अलावा हमारी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जितने भी कोर्स है वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, उसकी हालत खस्ता है। तो मैंने उसके लिए भी कहा कि उसके लिए भी विशेष हमें लगता है बजट के अंदर रखना चाहिए था, पर उसकी तरफ कहीं ध्यान नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है ये 4-5 चीजें थी जो मुख्य बिंदु हमारी थी, इसके ऊपर हमने अपनी बात रखी। एक कल 6 महीने पहले बना हुआ फ्लाई ओवर ढहा है, देखिए किस तरीके से तैयार हुआ था, 6 महीने भी नहीं हुए। क्या लगता है विकास कार्य ऐसे हो रहे हैं या आपको इसमें क्या नजर आता है पूरा मामला? जिस फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं, 14 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद 16 सितंबर 2019 को हमारे जो चुनाव थे लोकसभा के, विधानसभा के, उससे तुरंत पहले उसको चालू कराया गया। मुझे लगता है ना तो उसके ऊपर नॉर्म्स के ऊपर ध्यान दिया गया और एकदम उसको या तो पर उसको बनाए हुए 5 साल हो गए, तो उसको उद्घाटन में भी उन्होंने 5 साल लिया और कैसा उन्होंने सामान उसके अंदर इस्तेमाल किया, ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला उसके अंदर सरकार के जो अधिकारी हैं और नेतागण, जिसके ऊपर इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक कमेटी बनाकर उस पर देखें कि कौन उसके ठेकेदार थे, किसने इसको टेंडर को अलोकेट किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी लोकसभा और विधानसभा में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत जोर शोर से उठी थी, आप भी उसकी पैरवी कर रहे थे, अब क्या हुआ? वो मामला फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया, ना उस पर कोई चर्चा हो रही है ना कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए वैसे तो ये मामला हमारे लोकसभा का ही है, उसमें हमारे सांसद जो है उन्होंने एक बार भी उसकी अहीर रेजिमेंट की आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनके विपरीत हमारे जो 2 सांसद है, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के धर्मवीर जी और हमारे जो रोहतक के सांसद हैं, उन्होंने अहीर रेजिमेंट की आवाज़ उठाई। उसके विपरीत हमारे सांसद ने एक बारी भी इसके बारे में आवाज़ वहां पर नहीं उठाई। तो मुझे लगता है जब तक हमारे अपने सांसद की इच्छा नहीं होगी इसको बनाने की, अहीर रेजिमेंट बनाने की, तब तक इसके नहीं। रेवाड़ी से अब आप विधायक है, क्या तैयारी कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट को लेकर के? क्या लगता है आपको करनी चाहिए आपको अपनी तैयारियां? अहीर रेजिमेंट के लिए मैंने अपना सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था, हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, पर हमारी तरफ से जवाब यही आया कि सेंटर का मामला है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सांसद इसके ऊपर कदम नहीं उठा पाएंगे तब तक इसके अंदर कुछ हो नहीं पाएगा। हमने तो अनुरोध किया है हमारे सांसद को भी कि वो एक खुद सैनिक परिवार से है, सैनिक स्कूल में वो पढ़े हुए, ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान देते हुए हमारे अरेंजमेंट को बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। एक ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की मेहनत पूरी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, किसानों की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई, क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्या किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, कब तक मिलने की? देखिए ओलावृष्टि के लिए कल मैं भी खराबा की गिरदावरी के लिए मैंने डीसी साहब से बात करी, एसडीएम से मैंने बात करी और मैंने कहा कि जल्द से जल्द आप इसके खराबे की गिरदावरी कराएं, और मैं खुद भी मौके पर कुछ गाँव में गया देखने के लिए, और डीसी साहब से जो मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि फेज वन की जो गिरदावरी है उसके लिए उनके पास परमिशन आ चुकी है, फेज टू और फेज थ्री की जो खराबे गिरदावरी है उसके लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा हुआ। एक जो किसानों का पैसा तो कट गया बीमा हुआ और उनको बीमा नंबर मिल नहीं रहे, कैसे वो केसीसी फार्म भरेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे गिरदावरी होगी, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? आपको लगता कहीं ना कहीं जो घोलमाल है वो क्लियर हो, किस तरीके से पैसा जो लोगों का कटे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई की सरकार करे, हमारी तो प्राथमिकता यही रहेगी। जहाँ तक आपने पैसे कटने की बात करी, इस तरह का मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके भी हम बात करेंगे हमारे अधिकारियों से और जल्द से जल्द लोगों को फायदा दिलाने का हम काम करेंगे। तो देखिए ये विधायक जी है जिन्होंने खेल प्रतियोगिता में जो आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सीधी एचआर न्यूज से भी सीधी बात की, अब हमारे पास गांव के बुजुर्ग भी हैं और भी लोग हैं उनसे जानते हैं, जनाब जो ये आयोजन हो रहा है क्या कहेंगे इस आयोजन को लेके? हर साल आप कराते हो, क्या मकसद क्या है मेन इसका कराने का? इस आयोजन का मेन मकसद है समाज में, गाँव में, भाई बिरादरी में एकता का प्रतीक है, इससे आपसी दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ते हैं, आपसे प्रेम भाईचारा बनता है, इसके साथ साथ शरीर के लिए मजबूत है, दिमागी रूप से भी और हर बीमारियों से इससे बचाव होता है। तो आज आपने महिला दिवस को चुना है, तो महिला दिवस भी है, महिलाओं की भागीदारी भी आपसे ज्यादा नजर आ रही है मुझे, तो क्या लगता है महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं? महिलाएं हमारे गाँव की महिलाएं बहुत ही हर तरह से सक्षम है,
हर तरह का मुसीबतों में उसमें उसको मुकाबला करने के लिए मजबूत है और इन चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और अपने बच्चों को भी शिक्षा के प्रति और खेलों के प्रति जागृत करते रहते। तो देखिए ये गांव का बदलाव है जो सोच हम कहीं देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं खेलों में रुचि दिखा रही है और जाहिर है अब तो आने वाला समय कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महिलाओं का नजर आ रहा है। जिस तरीके से देश भर के तमाम जितने भी सेक्टर हैं वहाँ महिलाएं हैं, ड्राइवर हो चाहे एयरफोर्स में हो चाहे खेलों में हो, बाबा क्या कहेंगे, बाबा क्या कहेंगे महिलाओं की जो बढ़ोतरी हो रही है, महिलाओं की जो बढ़ोतरी हो रही है, खेलों का आयोजन हो रहा है आपके गांव में, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, मेहनत महिला की साझेदारी अच्छी है हमारे गांव में। अच्छी क्या कहोगे जो आज खेलों का आयोजन आप लोग करवा रहे हो? ऐसा है, ये आयोजन हम आज से नहीं चौथी साल है ये, और ये हमारे बुजुर्गों का नौजवानों का जो दिलचस्पी है और उनका एक मतलब खेल के प्रति ताकि उनके नौकरियों में काम आए, शरीर में काम आए, तो ये उनको मतलब मनोबल बढ़ता है और बढ़ाने के लिए इन बुजुर्गों ने ये स्टैंड लिया है और ये आयोजन किया गया है। और हमने विधायक जी को भी आमंत्रित इसलिए किया है कि उन बच्चों का मनोबल उत्साही करें और उनसे बच्चों का प्रेरित हो उनका मन प्रेरित। तो जाहिर है जिस तरीके से देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक और चीज निकल के आती है, शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से खेलों की रुचि कम होती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल ने जिस तरीके से अपना जो है पूरा कब्जा लोगों के दिलों पर कर लिया वो कहीं ना कहीं खतरनाक भी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से ये पहल आज भी खेलों को जिंदा रखा जा रहा है अपने आप में, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे खेलों को जिंदा रखने का प्रयास? बिल्कुल पूरा पूरा प्रयास है, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, नौजवानों को मैंने इसीलिए अपील की है भाई हम तो देखने वाला हो रहे हैं और हम आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो, ये पहल कहीं ना कहीं है और अब पूरे तमाम ये आयोजन होगा वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।